नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। फिर दिखा जंगली हाथियों का झुंड। वन विभाग बोला, झुंड में 40 से ज्यादा हाथी। 38 आदिवासी परिवारों को स्कूल सहित अन्य सरकारी भवनों में किया गया शिफ्ट। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में जंगली हाथियों ने एक बार फिर दस्तक दी है। छत्तीसगढ़ के सरहदी क्षेत्र में जंगली हाथियों के मूवमेंट के बाद जंगल के समीप रहने वाले 38 से ज्यादा आदिवासी परिवारों को समीप के सरकारी भवन में ठहराया गया। इसमें स्कूल व पंचायत भवन सहित अन्य स्थान शामिल हैं। कोतमा वन परिक्षेत्र के रेंजर केवी सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह जंगली हाथियों का मूवमेंट जंगल में देखा गया। आसपास के ग्रामीणों को मुनादी के माध्यम से जंगल नहीं जाने की जानकारी दी जा रही है। खेतों की तकवारी करने वाले किसानों को भी जंगल के आसपास नहीं जाने की बात कही गई। बहुत जरूरी होने में खेत जाने पर पूरी सतर्कता बरतने की समझाइश दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 38 बैगा व आदिवासी परिवारों को फुलवारी टोला में पंचायत भवन सहित अन्य सुरक्षित स्थानों पर रुकने की व्यवस्था की गई है। हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए रखने के लिए वन विभाग ने सोमवार को पूरी रात गश्ती की। मंगलवार सुबह भी टीम के सदस्य हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं। कोतमा रेंजर के अनुसार कोशिश है कि हाथी वापस चले जाएं। तब तक सतर्कता बरती जा रही है। हम दिखाते रहें लगातार खबरें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।